ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समय पश्चिम बंगाल। सरकार ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक कर दिया गया है और इन फाइलों की डीवीडी नेताजी के परिवार वालों को सौंप दी है। राज्य सरकार ने इस सिलसिले में कल कुल 64 दस्तावेजों को सामने रखा था। इन दस्तावेजों से यह खुलासा होने की उम्मीद है कि कम से कम 1964 तक नेताजी जिंदा थे। 1960 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में इस ओर खुलासा भी किया गया था। नेताजी के जीवन से जुड़ी ये फाइलें साल 1937 से लेकर 1947 के बीच की हैं। कुल 64 दस्तावेजों में 12,744 पन्ने हैं। इन्हें कोलकाता पुलिस म्यूजियम में रखा गया था। आपको बता दें कि इन फाइलों के खुलासे को लेकर विवाद था। September 11, that is last week, that the files related to Netaji will be made public. It will be placed in the public domain from 18th of September, that is today. Accordingly, our this Calcutta Police Museum in the archive, the files have been placed from today. Actually, it was quite a big task because in this short period of time, we had to digitize the entire files. There are 64 files which contains 12,744 pages. Now the entire files have been digitized and the files in its original form have been kept in the glass cabinets in the police museum in the